नवरात्रि में शहर का माहौल हुआ भक्तिमय। सुबह प्रतिदिन निकलती है प्रभात फेरी। कांग्रेस अध्यक्ष शारदा पाठक ने प्रभात फेरी का किया स्वागत। रामनवमी के दिन निकलेगी विशाल शोभा यात्रा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा होंगे शामिल। चैत्र नवरात्रि शुरू होते ही शहर में हर जगह पूजा पाठ या गौर अनुष्ठान का दौर प्रारंभ हो गया है। लोगों ने अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार पूजा पाठ और व्रत का संकल्प लिया है। इन दिनों जहां एक ओर रमजान शुरू होते ही मुस्लिम भाई रोजा रख रहे हैं, वहीं रामनवमी के शुभ अवसर पर पन्ना शहर में निकलने वाली शोभा यात्रा से शहर का माहौल भक्ति और श्रद्धा में लीन हो गया है। रामनवमी शोभा यात्रा समिति द्वारा प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाली जाती है। ढोल लगाड़ा डीजे के साथ निकलने वाली इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल होते हैं। सुबह श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम की आरती की जाती है। इसके साथ ही प्रभात फेरी नगर के विभिन्न रास्तों से होते हुए पुनः वापस श्री राम मंदिर पहुंचती है। प्रभात फेरी आज जब सुबह कांग्रेस जिला अध्यक्ष शारदा पाठक के घर से गुजरी, तब श्रीमती शारदा पाठक ने प्रभात फेरी का स्वागत किया और भजन गाए। श्रीमती शारदा पाठक इस प्रभात फेरी में शामिल हुई। प्रभात फेरी में ज़्यादातर बच्चे शामिल होते हैं। कई छोटी छोटी मासूम बच्चों ने साइकिल चलाकर कई किलोमीटर का सफ़र तय किया। इसके बाद जब प्रभात फेरी की शोभा यात्रा गांधी चौक पहुंची, तो वहां राम दरबार की आरती की गई और हनुमान चालीसा पाठ हुआ, जिससे नगर का माहौल भक्तिमय हो गया। इस प्रभात फेरी में प्रमुख रूप से कांग्रेस नेता धीरज तिवारी उर्फ गुड्डू भैया, भाजपा के उपाध्यक्ष तरुण पाठक, भाजपा नेता अशोक गुप्ता, समाजसेवी देवेंद्र और बबलू यादव, अर्जेन सिंह, भाजपा जिला मंत्री कमल लालवानी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस बीच भाजपा नेता तरुण पाठक ने बताया कि रामनवमी के दिन यानी 10 तारीख को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भगवान राम के जन्म के बाद निकलने वाली इस शोभा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी शामिल होंगे। समिति के सदस्यों ने श्रद्धालु भक्तों से प्रतिदिन प्रभात फेरी और रामनवमी के दिन निकलने वाली शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की है। Thank you.